हेलो फ्रेंड्स, योर सक्सेस में आपका स्वागत है। ये 29 अगस्त के करंट अफेयर्स है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट ने 6 राज्यों के साथ एमओयू साइन किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लखवारी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। सो लखवारी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर। सो इनमें से किस नदी पर लखवारी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनने वाला है? तो लखवारी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनने वाला है यमुना नदी पर। देखिए, यूनियन मिनिस्टर जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने 28 अगस्त 2018 को एमओयू साइन किया है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश फॉर अराउंड 4000 करोड़ मल्टीपर्पज़ रखवारी प्रोजेक्ट इन अपर यमुना बेसिन नियर देहरादून। देहरादून के पास उत्तराखंड में ये साइन किया है। ओके, वो यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली रिलीज लिस्ट ऑफ रेगुलेशन फॉर कमर्शियल यूज़ ऑफ ड्रोन्स। ड्रोन्स तो आपको पता ही होगा, 3 डेट में दिखाया था वो। दैट विल एप्लीकेबल फॉर विच, फ्रॉम विच डेट? जो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लगाए बनाई है ड्रोन्स के लिए, वो किस डेट से लागू हो जाएंगे? तो वो लागू होने वाले हैं 1 दिसंबर 2018 से। 1 दिसंबर, द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ऑन 27 अगस्त 2018 इशूड सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट CAR फॉर यूज़ ऑफ ड्रोन्स। द रेगुलेशन वेयर डेवलप्ड एक्सटेंशनली कंसर्न, आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द 8th सेशन ऑफ इंडिया केन्या जॉइंट ट्रेड कमेटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी। जो 8वां सम्मेलन था इंडिया केन्या का, वो कौन से राज्य में हुआ? तो 8वां सम्मेलन इंडिया केन्या का वो नैरोबी में हुआ, जो कि 22 से 25 अगस्त के बीच में हुआ। वो एनर्जी किस बातों पर चर्चा हुई थी? वहाँ पर लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर, एनर्जी, फार्मा आदि क्षेत्रों पर बात हुई है। ओके, अगला, हु वॉज अपॉइंटेड असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम? जो UNEP के सेक्रेटरी ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो वो बने हैं सत्या एस त्रिपाठी जी, वो जो कि इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है और यूएन ऑफिशियल में असिस्टेंट पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं। आप ये पढ़ सकते हैं आप एक्स्ट्रा जानकारी। सो अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड अ न्यू काउंसिल टू एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच मैटर्स। मतलब जो न्यू गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड, जो नया काउंसिल बनाया है, वो किस डिपार्टमेंट के लिए बनाया हुआ है? सो वो बना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री को एडवाइस करेगा। सो गवर्नमेंट का 21 मेंबर्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो नरेंद्र मोदी को सीधा साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन ये सब क्षेत्र में वो विचार परामर्श करेंगे। ओके, वो हेड कौन करने वाला है? वो हेड KVGR राघवन जी हेड करने वाले। ओके, एडवाइज़र यूनियन गवर्नमेंट के हेड रहेंगे। सो अगला क्वेश्चन, हु won द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट सिल्वर मेडल इन कुरस एट 18th एशियन गेम्स इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अभी जो एशियन गेम्स चल रहे हैं, उसमें कुरस में किसने जीता है? तो इसके आंसर्स हैं, वो पिंकी बलहारा ने जीता है। वो पिंकी बलहारा जो कि वुमन 52 kg फाइनल में उन्होंने ये आप काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं, हमारा तो इम्पोर्टेंट है पिंकी बलहारा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज साइंड $300 million लोन एग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक टू स्केल अप द एनर्जी इफिशेंसी प्रोग्राम? एनर्जी इफिशेंसी प्रोग्राम को स्केल अप करने के लिए किसने लोन लिया है? सो वो इंडिया ने 300 मिलियन का लोन लिया है, उसमें से 220 मिलियन लोन वो वर्ल्ड बैंक है साइंड 200 लोन एंड 80 मिलियन ग्रांटेड एग्रीमेंट फॉर एनर्जी इंडियन इफिशेंसी स्केल अप प्रोग्राम, जो ESL प्रोग्राम है उसको स्केल अप के लिए इतना दिया हुआ है। आप ये पढ़ लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज होस्टिंग सार्क एग्री कोऑपरेटिव बिजनेस फोरम? तो सार्क एग्री कोऑपरेटिव बिजनेस फोरम वो कौन से सिटी को होस्ट करने वाली है? वो काठमांडू होस्ट करने वाला है। सार्क का हेडक्वार्टर भी काठमांडू है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एज पर एस्टिमेट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हाउ मच इंक्रीज वॉज रिकॉर्डेड इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2017-18? 2017-18 में
कितना फूड ग्रेन में प्रोडक्शन इंक्रीज वॉज रिकॉर्डेड, मतलब कितना रिकॉर्ड हुआ है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा हुआ है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, 284.8 मिलियन टन्स। जो इनिशियली हमने एस्टिमेट किया था वो 277.5 मिलियन टन्स था, बट वो उसका रिकॉर्ड तोड़ इस बार प्रोडक्शन हुआ है सब कुछ हमारे किसान भाइयों की वजह से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंट्रोड्यूसेस द प्रोजेक्ट नवलेखा। नवलेखा प्रोजेक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया है? सो उसका आंसर है ऑप्शन सी, गूगल। गूगल ने प्रोजेक्ट नवलेखा लॉन्च किया है। इट हेल्प्स इजिली टू मेक ऑफलाइन कंटेंट फुल्ली एडिटेबल एंड पब्लिश्ड ऑन ब्रांडेड डोमेन विच एक्सपर्ट ऑफ डिजिटल नॉलेज। मतलब नवलेखा प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, हाउ मच डिड वर्ल्ड बैंक साइन टू लोन एनर्जी इफिशेंसी सर्विस लिमिटेड, EESL को कितना लोन देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कहा है? तो EESL को हम 300 मिलियन, उसमें से 200 मिलियन लोन एग्रीमेंट, जो नेक्स्ट वही क्वेश्चन है रिपीट है। और अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट इंटर स्टेट कनेक्टेड विंड पावर प्रोजेक्ट इज कमीशनड इन, मतलब इंटर स्टेट विंड पावर प्रोजेक्ट किस कहाँ पर लगा है इंडिया का पहला? सो वो लगा है 126 मिलियन पावर विंड पावर प्रोजेक्ट भुज गुजरात में। तो भुज गुजरात में लगा है इंडिया का पहला इंटर स्टेट विंड पावर प्रोजेक्ट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।